केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस अपने संसदीय क्षेत्र हाजीपुर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने कई योजनाओं का शिलान्यास किया है। बता दें आपको कि रेल परियोजना को देखते हुए केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री का यह साफ कहना है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार लगातार जो है हमारा साथ दे रही है, तो वहीं हाजीपुर में लगातार विकास हो रहा है। बता दें आपको कि भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस हाजीपुर के भगवानपुर में कई सारी योजनाओं का शिलान्यास करने पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष रूप से आभार प्रकट किया है। उन्होंने कहा है कि इस बजट में जिस तरह से जो पुरानी लंबित रेल परियोजनाएं थी उसको बजट में स्वीकृति दी गई है, और अब जल्द से जल्द जो लोग ट्रेन से सफर करना चाहते थे उनका सपना पूरा होगा और हाजीपुर में रेल लाइन बिछेगी। बता दें आपको कि केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने यह साफ कहा है कि रेल लाइन बिछने जा रहा है, तो वहीं लगातार जो विकास है वो होगा। यह तस्वीर जो है हाजीपुर की देख सकते हैं किस तरीके से हाजीपुर सुगौली भगवानपुर महुआ ताजपुर रेल लाइन सर्वे को जो है कहीं ना कहीं राशि मिली है। इसको देखते हुए पारस ने आभार प्रकट किया है। तो वहीं पशुपति कुमार पारस ने साफ कहा है कि जल्द से जल्द जो रेलवे लाइन है वो बिछने का काम होगा। तो वहीं क्या कुछ कह रहे पशुपति कुमार पारस वो सुने। पांच रेल की समिति में लेकर आया है, उसी के कारण आज चार रेल में सरदार सभा है। मेरे द्वारा उस रोड का नाम है खरीका पुल से रामपुर असरा प्राणी लंबाई 7.73 किलोमीटर पौने 8 किलोमीटर की समिति रही है। भारत सरकार का कैबिनेट मिनिस्टर उसको बनाया गया है। ये हाजीपुर योजना का दिन है। मैं आपको हाजीपुर की धरती को भी नमन करता हूं। साथियों, मैं सभी जगह भाषण में कहता हूं कि काशवान जिले में बुरा सपना है, मैं उसे झूले सपना को पूरा करूंगा। 1997 में उन्होंने भगवानपुर बहुआ होते हुए समस्तीपुर रेल लाइन का उन्होंने सर्वे का आदेश दिया था, और संदेश से जब नहीं रहे रेल मंत्री तो खटाई में पड़ गया था। 25 वर्ष पहले उन्होंने सर्वे का आदेश दिया था, लेकिन आप लोग वित्त मंत्री जी और माननीय रेल मंत्री जी जो हमारे अच्छे मित्र है, उन्होंने मेरी बात को सुना। उन्होंने इस बजट में स्वीकृति दिया और सर्वे का उन्होंने आदेश दिया। इतना ही नहीं, हाजीपुर सुगौली जो रेल लाइन है तो पासवान जी के समय शुरू हुआ था, उसमें बजट में कमी थी, जो मैंने अन्य रेल मंत्री से चार चार महीने से बजट दिलवाया। साथ ही हाजीपुर जो रेलवे स्टेशन है, जंक्शन है, और आपका भगवानपुर, ये दोनों रेलवे स्टेशन को मैंने रेल मंत्री से चार करके सौंदर्यीकरण के लिए सुनिश्चित बनाया। हाजीपुर का भी नाम दिया, भगवानपुर का भी नाम मैंने जुड़वाया। ये बहुत खुशी की बात है। मानी साहब के बारे में बैठे हुए हैं, इनको सब साथ में जानकारी है अपने सब। तो आपने सुन लिया, पशुपति कुमार पारस केंद्रीय मंत्री थे। उन्होंने बीएड कॉलेज नर्सिंग कॉलेज बिहार में खुल रहा है, इसको देखते हुए केंद्र सरकार को जो है उन्होंने धन्यवाद दिया है। तो वहीं आगे उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार लगातार इन क्षेत्रों में पैसा दे रही है और उससे बिहार के युवाओं को और लाभ मिलेगा तथा अन्य शिक्षक संस्थानों को देखते हुए जो है लगातार इस तरह से सुदूर इलाकों में खुलते रहेंगे। तो शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि गांव गांव तक बेहतर शिक्षा कैसे पहुंचाई जाए। तो वहीं क्या कुछ कह रहे थे पशुपति कुमार पारस आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।